हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कटहल की एक बेहतरीन रेसिपी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कटहल लिया है। कटहल का छिलका अच्छे से उतार के इसके छोटे छोटे क्यूब काट लेने हैं और अच्छे से वॉश कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे इसमें, और इसके बाद हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। नमक के साथ बॉयल करने में अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको कुकर में डाल के 3 से 4 सीटी लगाएंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे कुकर की 3 सीटियाँ लग चुकी हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर का कैप खोल के इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको एक बाउल में ले लेना है। कटहल हमारा बॉयल हो गया है। अब इसे किसी पोटैटो मैशर या स्पैचुला की मदद से ऐसे अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। क्वांटिटी के हिसाब से बेसन ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा बॉल बेसन लिया था। ये है लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और एक छोटे प्याज का पेस्ट है। हरी मिर्ची है, लहसुन है, जीरा है और एक छोटा प्याज का पेस्ट है ये। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे ताकि इनका एक अच्छा डो बन जाए। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। जो हमारा मसाला था उसी से अच्छे से ये हो जाएगा तैयार। इसे हाथ से प्रेस कर करके अगर कोई गांठ है तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब एक छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। छोटे छोटे ही बॉल बनाना है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के फटाफट छोटे छोटे बॉल बना लेना है इसके। देखिए बिल्कुल ऐसे बॉल्स बनाने हैं। हमारे सारे बॉल्स बन के रेडी हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। जब ऊपर से ये गोल्डन ब्राउन दिखने लगे और आपको लगे कि अंदर से भी अच्छे से पक गया हो तो हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा अच्छा कलर आ गया है, ये अच्छे से पक भी गए हैं अंदर से। इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अपना दूसरा बैच भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे बॉल कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बॉल को फ्राई करते टाइम में ध्यान रखना है कि अंदर से कच्चे ना रहे। हमारे दोनों बैच के बॉल रेडी हो गए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया। कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और लौंग है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक को कूट के डाला है। इसकी जगह पर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्याज की प्यूरी डाला है। प्यूरी करके ही डालना है इस रेसिपी में और इसे अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आप जैसा पसंद करते हो कम या ज़्यादा। मसाले ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मसाले में मैंने यूज किया है धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर जो मिक्स करके मैंने रखा था पहले से। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे चला लेंगे ताकि मसाला हमारा भूनने में आसानी हो और कढ़ाई में पकड़े ना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट ऐसे पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी बनाई थी। अगर टमाटर छोटे हो तो 2 टमाटर की प्यूरी आप ले लो। इसे भी 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। 2-3 मिनट हो जाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, अच्छे कलर के लिए डाला है मैंने। और साथ में मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला। शार्प से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। 4-5 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी ग्रेवी के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। हमारा अच्छे से ग्रेवी बॉयल हो गया है। देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉल्स, कटहल के जो बॉल्स बना के रखे थे हमने। एक बार चला लेंगे और इसको कवर करके
5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसको कवर कर दिया है मैंने। 5 मिनट हो जाने के बाद कवर को हटा के हम चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, कवर को हम हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हमारे बॉल जो हैं ग्रेवी के साथ अच्छे से पक चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ मैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।